प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन के श्री प्रभात कुमार जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी सुधीजन उपस्थित महानुभाव, इस नई कृति के लिए मैं सबसे पहले श्री अजय सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देते हुए विमोचन के अवसर पर उनका और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी की भूमिका क्या होनी चाहिए और पार्टी केवल एक संगठनात्मक ढांचा मात्र है या इससे इतर भी कुछ और, अगर ये सब देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कौशल को जो पिछले 9-10 वर्षों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में आज हम सबके सामने है, इसे आप देख सकते हैं। पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल दुनिया के अंदर तो है ही, लेकिन अपने संस्थापकों के द्वारा जिन मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखकर के स्थापित की गई थी, उन सब के संरक्षण के साथ साथ उन सबको अंगीकार करने के साथ साथ जो भी पार्टी के संस्थापकों ने जिन बातों का उल्लेख स्थापना कालखंड में की थी, सरकार बनने के बाद उनका प्रभावी क्रियान्वयन, यह दूसरा पक्ष भी। अक्सर क्या होता है राजनीतिज्ञों के बारे में, अविश्वास का एक नया दौर शुरू होता है और ये तब शुरू होता है जब कथनी और करनी में कोई समन्वय नहीं होता, आचार और विचार में समन्वय नहीं होता। जब व्यक्ति बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, सरकार बनने के पहले और सरकार बनने के बाद जब उसमें व्यापक अंतर देखने को मिलता है, तब वह अविश्वास का प्रतीक बन जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस दौर में है, जो कहा वही किया और जो किया उतना ही बोला, यह भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज की भारतीय जनता पार्टी वही कहती है जो कर रही है, वही कर रही है जो बोलती है। कथनी और करनी में कोई भेद नहीं, आचार और विचार में कोई भेद नहीं। दूसरा, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र की जो सबसे सहज और सरल परिभाषा दी है वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने दी थी। वह यानी लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री पद के लिए नामित होने पर मोदी जी ने पूरे देश के अंदर एक आह्वान किया था, स्टेचू ऑफ यूनिटी, भारत के वर्तमान शिल्पी, जो वर्तमान भारत है इसके शिल्पी के रूप में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना के समय हर गांव से और हर परिवार से
लोह संग्रह और वहां की पवित्र मिट्टी का संग्रह करने का एक विशेष अभियान चला था। आज आप देखिए ये जितना भी लोहा यानी खेत में काम करने वाला किसान हो या श्रमिक हो या कोई कारखाना हो, वहां से थोड़ा थोड़ा लोहा जो एकत्र हुआ था, इस एकत्रीकरण ने आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में स्थापित की है सरदार सरोवर के तट पर। और केवल इन्हीं कार्यक्रमों में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होना है, टेक्नोलॉजी किस रूप में प्रभावी हो सकती है, संगठनात्मक रूप में करना है तो ऑनलाइन सदस्यता के अभियान को आगे बढ़ाया। 18 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिन पर मौजूद हैं। और अगर इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तो जनधन अकाउंट के माध्यम से दुनिया के अंदर पहला देश है जिसने हर गरीब का अपना बैंक का खाता खोल दिया। याद करिए जब जनधन अकाउंट के लिए एक आह्वान हुआ था, बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये तो एक लोगों को जो है केवल एक खाली पुलाव खिलाने की बात हो सकती है। लेकिन जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान एक गरीब के खाते में पैसे देने की बात आई तो पैसा डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में पहुंच गया। उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, उसके सामने किसी को चेक लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इतने बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य हुआ, लेकिन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। दूसरा, भ्रष्टाचार पर प्रहार का एक कितना सशक्त माध्यम बना। आज हम सब इस बात को देख सकते हैं कि हम कोई पैसा यहां से भेजते हैं, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने, मकान का एक एक पाई गरीब के खाते में जाता है, 10 करोड़ गरीबों के शौचालय बने, एक एक पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है, विकास की बड़ी से बड़ी परियोजना का लाभ किसी गरीब को देना है, पैसा सीधे उसके अकाउंट में पहुंचता है, लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ उस तक सीधे पहुंच रहा है, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं। टेक्नोलॉजी का उपयोग पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी कैसे हम बना सकते हैं, उपयोगी उसे बना सकते हैं, यह उदाहरण भी पहली बार देश के अंदर किसी ने प्रभावी ढंग से लागू किया। केवल योजना बनाना नहीं, अक्सर होता है बहुत सारे लोग योजनाएं बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आइडिया ही नहीं होते, लेकिन यहां तो आइडिया भी मोदी जी के अपने हैं, उनके योजनाओं उसको योजना का एक स्वरूप देना यह भी मोदी जी का है, और फिर प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन होना भी, यह पक्ष भी हम प्रभावी रूप से देख सकते हैं। और भाइयों बहनों, अगर हम इस सब बातों को देखते हैं कि आज जो नई भाजपा हम सबके सामने है, पूरे देश में विस्तार है, सबसे बड़ी सदस्यता के साथ साथ अपने एक बेहतरीन संगठनात्मक ढांचे के साथ में अपने मूल्यों और आदर्शों के लिए कार्य कर रही है, वे सभी मुद्दे अक्सर हम इन चीजों को देखते थे, जिन मुद्दों पर अक्सर हमारी खिंचाई होती थी 2014 के पहले अक्सर ये मुद्दे चलते थे। हम लोग जब जाते थे तो लोग बोलते थे राम मंदिर के बारे में क्या होने जा रहा है, एक बात अक्सर पूछा जाता था, हम बोलते थे भाई आने दीजिए, कोर्ट में मामला है, समाधान होगा। तो अगर हम लोग कोई नारा उस समय दे देते थे तो उसके साथ ही एक नई लाइन दूसरी तरफ से और उभरती थी, लेकिन आज इस पे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का पूरी तरह समाधान ही नहीं हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने आकर के सभी आशंकाएं थी और जो जनता की आकांक्षाएं थी, देखिए दोनों को समाधान का रास्ता दिया, स्वयं आकर के शिलान्यास भी किया और अब
22 जनवरी 2024 को स्वयं आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला को विराजमान की तरह जा रहे हैं। यानी बोला ही नहीं, मोदी जी ने 14 में श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे को अपने इलेक्शन एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया, 2019 में भी नहीं बनाया। 19 में एक लाइन थी कि हम संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का समाधान करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर के समाधान का रास्ता निकालेंगे और संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का सर्वसम्मत समाधान हो सकता है। यह से राम जन्मभूमि की 500 वर्षों से चले आ रहे एक ऐसे विवाद को जिसको लोग असंभव कहते थे उसको उन्होंने संभव करके दिखाया है और आज पूरे देश में कोई विवाद नहीं इसका। सौहार्दपूर्ण तरीके से संवाद बना करके बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत का उपयोग अगर किसी ने प्रभावी ढंग से किया है वह मोदी जी ने करके दिखाया। ये बहुत सारी चीजें थी और मैं कह सकता हूं केवल न्यू बीजेपी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज एक नए भारत के शिल्पी भी हैं, एक नए भारत के शिल्पी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को जिन्होंने प्रभावी ढंग से लागू भी किया, पूरे देश के अंदर उसके दर्शन होते हैं। हमें याद है, मुझे अलग अलग कालखंड में, प्रदेश अलग अलग वर्षों में, अलग अलग समय में देश के अलग अलग कोनों में जाने का अवसर प्राप्त होता हुआ है और मैंने वहां की प्रस्तुतियों को बहुत नजदीक से देखा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वह पूर्वोत्तर के राज्य हो, चाहे वह दक्षिण के राज्य हो और चाहे उत्तर भारत के ही विभिन्न राज्य। इन सभी राज्यों में अलग अलग समय में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां की कार्यपद्धति को बहुत नजदीक से देखने, जानने, सुनने, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनमानस के साथ भी संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। आश्चर्य होता है हमें कि आखिर 1947 से लेकर के अब तक उन भावनाओं को समझने का प्रयास उस 2014 तक क्यों नहीं किया गया जो 2014 के बाद प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हुई तो उसके परिणाम भी सामने देखने को मिले। आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर में शांति और पर्यटन के एक नए दौर में कश्मीर विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। अब कश्मीर इशू नहीं, कश्मीर में अब इस बात की चर्चा होती है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग इस बात को कहते हैं साहब हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए। ये एक नई सोच है, ये बात वहां से हो रही है कि साहब हमें पाकिस्तान से मुक्ति चाहिए क्योंकि इस जलालत को झेलने से अच्छा है कि हम भारत का हिस्सा बने और विकास में भागीदार बने। ये करके एक लंबी रेखा कश्मीर के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में आज की नई सरकार ने और नई भाजपा के माध्यम से ये सब चीजें आज सामने देखने को मिल रही हैं। हमें पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिलता था, क्या स्थितियां होती थी, जाना कठिन होता था। एक समय तो आजादी के तत्काल बाद तो वहां परमिट सिस्टम लागू कर दिया गया था, अपने ही देश में परमिट लेकर के हम जाएंगे दोनों जगह, जम्मू कश्मीर के अंदर भी, पूर्वोत्तर के भी कई राज्यों में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को अपना बलिदान देना पड़ा था कश्मीर के लिए, उनको नारा देना पड़ा था एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे और इसके लिए वे अपने आप को बलिदान कर दिए थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि परमिट सिस्टम कुछ भी नहीं, कश्मीर से धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो गई, कश्मीर लोकतंत्र और विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। परिवारवाद यानी वहां पर लोकतंत्र के नाम पर जो लोग हावी थे, जो वहां का शोषण करते थे, विकास के नाम पर बाधक थे, बैरियर थे, वे आज एक और गए और लोकतंत्र के नाम पर सही लोग आज वहां नेतृत्व देकर के आम जनमानस के साथ संवाद बनाते हुए विकास की प्रक्रिया के साथ और पर्यटन की नई संभावनाओं के साथ जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं।
पूर्वोत्तर के राज्यों में व्यापक संवाद के माध्यम से जो एक अलगाववाद चरम पर था, आज वह पूरी तरह समरस होकर के उन्हें गौरव की अनुभूति होती है यह कहने में 2014 के पहले पूर्वोत्तर के भारत और 2014 के बाद के पूर्वोत्तर के भारत को आप देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। आज वहां पे अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी है, असम में भारतीय जनता पार्टी है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी है, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के रूप में है, नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दल के रूप में है। यानी इन 7 राज्यों में से 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के या भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हैं और बेहतर संवाद है, योजनाओं का लाभ वहां लोगों को मिल रहा है और लोगों को पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि हाँ, हम भी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और भारत हमारा देश है। यह पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों के अंदर इस प्रकार का भाव पैदा करने का कार्य हुआ। हमने कहा ही नहीं बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में यह वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया। दक्षिण के राज्यों में जिस प्रकार की भाषा की समस्या को लेकर के अक्सर विवाद खड़ा किया जाता था, आज ये समस्या पूरी तरह समाप्त। आज भारत के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी राजभाषा के माध्यम से पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बातों को रखते हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर भी हिंदी में अपने भाषण के माध्यम से दुनिया को भारत की ओर सोचने और भारत के बारे में जानने की एक नई उत्सुकता उनके मन में पैदा कर देते हैं। उत्तर भारत का जो हिंदी बेल्ट कहा जाता था, ये अपनी बीमारीपन के कारण, आर्थिक विपन्नता के कारण ये बीमारू राज्यों की श्रेणी में थे। आज आपने देखा होगा कि ये सबसे उभर करके उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उभर गया, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से उभर चुका है, राजस्थान उस दिशा में तेजी के साथ आगे प्रयास किया, अन्य राज्यों में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। हमें भी विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है, आर्थिक संपन्नता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में हम भी योगदान दे पाएंगे। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के दौर को 2014 के बाद प्रत्येक नागरिक ने देखा। शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के कभी हुआ? 1952 से देश के अंदर पहले आम चुनाव से लेकर के ये देश जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से कभी उभर नहीं पाया था। इससे इतर मुद्दे ही नहीं हो पाते थे, उन्हीं संकीर्ण दायरों में रह करके जो अपने को सबसे बड़े सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में स्थापित करते थे, जो लोग ये मानते थे कि नहीं, वे एक आइकॉन बन सकते हैं सौहार्द के, उन लोगों ने जातिवाद को फैलाने में और क्षेत्रीय आधार पर या भाषाई आधार पर देश को विभाजन करने में कोई संकोच नहीं किया। योजनाएं भी बनती थी इसी बात को लेके बनती थी। लेकिन याद करिए, जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पहला अभिभाषण मोदी जी ने दिया था, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमारी सरकार किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र और भाषा को लेकर के कार्य नहीं करेगी। हमारा तो एक ही नारा होगा, सबका साथ और सबके विकास का। अरे, सबका साथ और सबका विकास का केवल नारा ही नहीं है, एक हकीकत भी है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त हुआ। कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा ये नहीं कह सकता आज के दिन पे सब हमारे साथ भेदभाव हुआ है, कोई नहीं कह सकता। वे लोग भी नहीं कह सकते जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा जिन लोगों को ध्यान में रखकर के योजनाएं बनती थी, आज वे भी नहीं कह सकते। यानी योजनाएं उनके नाम पे बनती थी लेकिन वे विपन्न के विपन्न ही रह गए। लेकिन आज 4 करोड़ गरीबों को जब सिर ढकने के लिए छत मिलता है, अगर योजनाएं पहले सही थी तो 4 करोड़ लोग बिना घर के कैसे रह गए थे? 70 वर्षों तक देश के नागरिकों को शौचालय नहीं मिल पाया था अपना। याद करिए, कोई गांव और कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां व्यक्ति पैदल जाने की हिम्मत कर सकता।
बरसात के समय इस प्रकार की स्थितियां नहीं थी 2014 के पहले कि व्यक्ति वहां जाए और वहां पर उसे स्वच्छ वातावरण मिल सके। रसोई गैस के लिए बेटी की किसी को शादी करनी है, रसोई गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था। और एक सरकार तो ऐसी थी जिसने कहा कि सांसद विधायक सांसदों को हम देंगे कूपन, कूपन ही बिकने लग गए। ये अभी दृश्य देखा है देश ने, ब्लैक होता था। और जिसके पास कनेक्शन है पर्व और त्योहार के समय गैस खत्म, तो बहुत सारे लोगों पर किसी को घर के अंदर बेलना से मार पड़ती थी और किसी को पुलिस की लाठी पड़ती थी। ये दोनों चीज होते थे। लेकिन भाइयों बहनों आज आप देख रहे होंगे कनेक्शन जिसको लेना है फ्री, और गरीब के लिए उज्ज्वला योजना का 10 करोड़ लोगों को इस कनेक्शन की सुविधा का लाभ दे दिया गया। योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाना है, दूसरा संकट के समय देश को कैसे नेतृत्व देना है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कोरोना प्रबंधन। भारत की आबादी सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से रहने वाली 142 करोड़ की आबादी को संकट के समय कैसे लीडरशिप देनी है, यह हम सबने देखा है। उनके साथ कैसे खड़ा होना है यह भी हमने देखा। कोरोना प्रबंधन भारत के समकक्ष दुनिया के अंदर किसी ने नहीं किया, जो प्रभावी क्रियान्वयन भारत के अंदर था एक एक चीज को, कैसे योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, कैसे राशन उपलब्ध कराना है, कैसे फ्री में टेस्ट करवाना है, कैसे फ्री में उपचार की व्यवस्था देनी है, कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है, कैसे गरीबों के भी ख्याल रखना है कि वह भूखा ना रहे। मैं कह सकता हूं कोरोना के पहले हो सकता है किसी राज्य में भुखमरी से मौतें हुई हो, लेकिन कोरोना के दौरान भूख से कोई मौत नहीं हुई। पहली महामारी है भारत के अंदर और दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर बहुत सारे देशों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है अभी भी, लेकिन पिछली महामारियां इस बात को बताती हैं, पिछली महामारियां इस बात को बताती हैं कि पहली महामारी थी जिस महामारी में भूखमरी से कोई व्यक्ति अपना प्राण नहीं त्यागा। एक यानी 100 वर्ष पहले 1917-18 के दौरान काफी लंबा दौर चला था जब लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग स्पेनिश फ्लू से मरे थे। जितने लोग फ्लू से मरे थे उससे ज्यादा भूख से मरे थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ की रचना की थी, उसके पीछे बंगाल की त्रासदी अकाल भी था। वो अकाल की त्रासदी का चित्रण उन्होंने अपने उस उपन्यास के माध्यम से किया जिसके जहां जिस उपन्यास ने हमें अपना राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया। आज भारत में मार्च 2020 से लगातार अब तक 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में आज भी उपलब्ध कराया जा रहा है, और बिना भेदभाव के। ये नहीं देखा गया ये व्यक्ति की जाति क्या है, मत क्या है, मजहब क्या है, पार्टी की कौन सी है, कभी नहीं। अक्सर होता है हम शासन के पार्ट हैं, अक्सर ये बात उठती है, लेकिन लीडरशिप के द्वारा तत्काल इसको बोला जाता है। भेदभाव शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात को कहती है अपने कार्यकर्ताओं से कि कभी अगर देश और पार्टी के हित में से किसी एक को चुनना है तो हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, देश पहले है, पार्टी फिर है, और फिर परिवार है, और फिर स्वयं का हित अंतिम होना चाहिए। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है, और मुझे लगता है कि उस नई भाजपा और नए भारत के निर्माता के रूप में मोदी जी का जो ये स्वर्णिम काल चल रहा है, उनका ये यशस्वी नेतृत्व पूरे देश को लगातार प्राप्त हो,
या हम सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं न्यू बीजेपी के बारे में जो यहां पर मूल पुस्तक लिखी द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, इसके लिए अजय सिंह जी को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक लंबे प्रयास शोध के बाद इस पुस्तक को रचा है। बहुत सहज भाषा में, सरल भाषा में, पत्रकार है तो स्वाभाविक रूप से भाषा पे उनका अधिकार होगा, और एक पत्रकार के रूप में बिना किसी उसके उन्होंने इसमें शब्दों की का चयन और उसकी रचना की है, उसका उन्होंने समावेश किया। और अनुवादक के रूप में भी यहां पर त्रिवेदी जी ने उसको बखूबी बहुत सहज और सरलता के साथ, अक्सर होता है कि हम अनुवाद में बहुत क्लिष्ट शब्दों का समावेश कर देते हैं जो लोगों को कभी कभी समझने में दिक्कत होती है, एक सामान्य नागरिक के लिए सहज और सुग्राह्य नहीं हो पाता, लेकिन बहुत ही सहज और सरल भाषा में त्रिवेदी जी ने उसको भी अनुवादक के एक अच्छे अनुवाद करते हुए इस पुस्तक को कि नई भाजपा के शिल्पकार इस पुस्तक को यह स्वरूप दिया है। और प्रभात प्रकाशन से तो कहना ही क्या है, मुझे लगता है कि प्रभात प्रकाशन एक लंबे समय से ऐसा लगता है जैसे भारत और भारतीयता के बारे में, भारत के राष्ट्रीय मूल्यों और मुद्दों को लेकर के जब कोई कृति आती है तो ऐसे लगता है कि प्रभात जी को स्वयं, प्रभात प्रकाशन और प्रभात जी स्वयं ये मानते हैं कि जैसे उनकी स्वयं की कृति है और उसको लग करके कार्यकर्ता के रूप में उसके प्रति आत्मीय भाव रखते हुए उस पूरे अभियान को यज्ञ के आहुति के समान उसमें अपना पूरा संपूर्ण समर्पण के साथ उस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। और आज इन तीनों विभूतियों ने यहां लखनऊ में आकर के इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में यहां पर अपना समय दिया है। मेरे मंत्रिमंडल के कई मंत्रीगण यहां आज लखनऊ में मौजूद हैं, क्योंकि इस संजोग ही कहेंगे कि फ्राइडे के दिन मंत्रियों का लखनऊ में रहना बहुत कठिन हो जाता है। मंडे ट्यूसडे के लिए मंत्रियों से कहा जा गया है कि वे लखनऊ में मौजूद रहेंगे अगर कोई शासकीय बैठक या कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है तो, शेष अन्य दिनों में उनको फील्ड में रहना होता है, अलग अलग क्षेत्रों में रहना है। लेकिन फिर भी हमारे काफी मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी का आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, माननीय विधायकगण उपस्थित हुए हैं, समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पे मीडिया से भी जुड़े हैं, अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं, समाज जीवन से जुड़े हुए तमाम अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए महानुभाव लखनऊ की विभूतियां यहाँ पर आई इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं इन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, इन्हें साधुवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि कम से कम सूचना विभाग एक काम जरूर करे, जो इस कार्यक्रम में आया है उन लोगों तक इस पुस्तक की एक प्रति जरूर पहुंचाने का कार्य कर देंगे। जरूर पहुंचवा देंगे, क्योंकि हो सकता है इतनी प्रतियां यहां पर मौजूद न हो, लेकिन ये पुस्तक जरूर पहुंचाएंगे। लोगों को जानने, सीखने और देखने का एक अवसर मिलना चाहिए कैसे कार्य होता है। और जैसे संगठनात्मक कार्य होता है, इसी प्रकार से राष्ट्रीय अभियान का जो अभियान है, प्रवर्तमान अभियान है, राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा हुआ प्रवर्तमान अभियान है, ये उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लेखक को और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य